हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज है हमारा संडे क्यू एन ए, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। ये संडे क्यू एन ए में जो भी क्वेश्चन जो है आप लोग पोस्ट करते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, उसका जवाब मैं वहीं पे देने की कोशिश करता हूं, जिनके जनरल क्वेश्चन होते हैं। और कुछ लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं जो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जो सबको नहीं पता होते, उनको जो है मैं इस क्यू एन ए के अंदर फीचर करता हूं। तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, ताकि आपको वहां पे जवाब मिल जाए, या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सब लोगों को यहां पे क्यू एन ए के अंदर सुनने भी मिले और उसका आंसर देखने भी मिले। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा क्यू एन ए शुरू करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला क्वेश्चन है हिना की तरफ से, ये बोलते हैं फ्री एप्लीकेशन कौन सा है जो आप अपने आईफोन के अंदर या आईपैड के अंदर यूज करते हो थंबनेल बनाने के लिए YouTube वीडियोस के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यूज करता हूं स्नैपसीड नाम का एक एप्लीकेशन है वो, कैनवा नाम का एक एप्लीकेशन है वो, और टाडा नाम का एक एप्लीकेशन है। ये तीन एप्लीकेशन जो है मैं फोटो एडिटिंग के लिए यूज करता हूं, इसी से मैं अपने थंबनेल्स बनाता हूं और काफी अच्छे बन जाते हैं, और ये कंप्लीटली फ्री एप्लीकेशन है। और ये आगे पूछते हैं कि वीडियो एडिटिंग ऐप जो है फ्री कौन से है आईफोन के लिए। सबसे अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप जो है आईफोन के लिए फ्री, जबकि आईफोन के साथ आता है, वो है आई मूवी। अगर आपके पास नहीं है तो उसको ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वसीम का, ये बोलते हैं कि इनको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और बोलते हैं कि DSLR जो है काफी एक्सपेंसिव है, और एडिटिंग के लिए जो पीसी है वो भी 50,000 के ऊपर का ही आता है, उसे नीचे के पीसी में एडिटिंग करेंगे तो काफी टाइम लगता है। तो पूछ रहे क्या आईफोन 10 जो है एक बेटर ऑप्शन है दोनों को, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन करने के लिए, जैसे वो वीडियो शूट भी कर सकते हैं और वीडियो जो है एडिट कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं, तो ये पूछना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप आईफोन 10 के लिए जा सकते हो। मैं अभी तक जो है आप जानते ही है, मैं आईफोन से ही शूट कर रहा था, आईफोन पे ही एडिट कर रहा था और आईफोन से ही अपलोड कर रहा था। अभी भी मैं एडिट और अपलोडिंग जो है वो आईफोन से आईपैड से ही करता हूं, लेकिन शूटिंग के लिए मैंने अभी DSLR लिया हूं, और अभी मेरे 181,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है कुछ। तो मैं ये नहीं बोलता कि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है, लेकिन मैंने इनिशियल डेज में जो है यूट्यूब के तभी मैंने DSLR के लिए नहीं किया, क्योंकि DSLR जो है एक महंगा इन्वेस्टमेंट है, और अभी इतने टाइम के बाद इसे लगा के थोड़ी बेटर क्वालिटी में पहले से दे सकता हूं, तो मैंने DSLR लिया। उसमें भी लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन है, कुछ लोगों को आईफोन का वीडियो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को DSLR का वीडियो अच्छा लगता है। तो आईफोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो। तो अगला क्वेश्चन है यश का, ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा जो आईफोन है जब वो वारंटी में होता है, जब उसकी वारंटी खत्म हो जाती है और उसके बाद उसके अंदर कोई खराबी आती है, तो क्या हमको बाहर किसी रिपेयर शॉप से रिपेयर करवाना चाहिए या फिर एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर से रिपेयर करवाना चाहिए? आइडियली कोई भी सिचुएशन में यही बताया जाता है कि हमको जो जेन्युइन स्टोर होता है, जो कंपनी का ऑथराइज स्टोर होता है, उसमें जाना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो है एप्पल ऑथराइज स्टोर जो है वो एप्पल के कंट्रोल से ज्यादा उनके जो ओनर्स है उसके कंट्रोल में है। दूसरी बात ये है कि वहां पे रिपेयर करना जो है आपको आउट ऑफ वारंटी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग रिपेयर में ही रिप्लेसमेंट में बिलीव करते हैं। तो कोई भी पार्ट में अगर इशू आता है तो सीधा रिप्लेस करने बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही मेरे एक दोस्त का iPhone 6s था, उसका डिस्प्ले का जो ऊपर का कांच है वो टूट गया था, एप्पल में उसने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप लोग 20-25 हज़ार रुपये हमको दे दो और हम आपको नया iPhone 6s जो है वो दे दे। इसका कोई मतलब था नहीं, तो मैंने उसका जो डिस्प्ले के ऊपर का स्क्रीन है वो सिर्फ 2,000 रुपये में ही रिपेयर करवाया है, जो ऑल मोबाइल सॉल्यूशन का मैंने बीच पे वीडियो बनाया था उनके पास से। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी बाहर के शॉप पे भी रिपेयर करवा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो रिलायबल होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है टेक्नोहॉलिक भावेश का, ये बोलते हैं कि इनके आईफोन SE के अंदर जो यहाँ पे स्पीकर ग्रिल होता है उसके अंदर से एक रेड लाइट आ रही है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए वहाँ पे जो है स्पीकर ग्रिल के अंदर एक वाटर डिटेक्शन स्टिकर होता है एप्पल की तरफ से, इसमें अगर मॉइस्चर या वाटर चला जाए तो वहाँ पे वो डिटेक्ट होता है और वहाँ पे आपको रेड लाइट जो है नज़र आती है, वो ग्लो करता है। जब उसके अंदर का मॉइस्चर या वाटर जो भी होगा वो पूरे तरह से ड्राई आउट हो जाएगा, तो वो रेड लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने मॉइस्चर या पानी से उसको एक्सपोज कर दिया या आपका पसीना वगैरह ज़्यादा ही उसके अंदर चला गया क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो आप उसको थोड़ा टाइम ये कर सकते हो कि फ़ोन को स्विच ऑफ करके जो कच्चे चावल होते हैं, जो राइस होता है, उसकी बैग के अंदर थोड़े टाइम के लिए आप रख सकते हो, उसके बाद जो आपका मॉइस्चर निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है मजारुल का, ये बोलते हैं कि इनके आईफोन 10 के अंदर वीडियोस ऐप जो है वो डिलीट हो गया है और उनको ऐप स्टोर में भी नहीं मिल रहा। देखिए जो भी लेटेस्ट iOS आया है, iOS 12.3 और 12.3.1, उसके अंदर जो है इन्होंने वो जो वीडियोस वाला ऐप है उसको निकाल दिया है और उसका इंटीग्रेशन कर दिया है Apple TV वाले इस एप्लीकेशन के साथ। तो Apple TV आपके अंदर आ गया होगा, उसके अंदर ही आपको अपने आईफोन के डाउनलोडेड वीडियोस मिल जाएंगे, जो पहले वीडियोस ऐप में होते थे अभी वो आपको Apple TV में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है शोएब परकार का, ये बोलते हैं कि मेजर एडवांटेजेस क्या है मैकबुक के ओवर एनी विंडोज़ का कंप्यूटर या लैपटॉप, और वो पूछना ये भी चाहते हैं क्या वो मैकबुक जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है क्या विंडोज़ की तरह। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। मैकबुक का जो मेजर एडवांटेजेस है वो होता है एक तो स्टेबिलिटी, उसका जो इंटरफेस होता है वो जो मैक ओएस है, और उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप स्पेशली फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो, ग्राफिक्स रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, तो ऐसे टाइप के हैवी टास्क के लिए बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस होता है और स्टेबिलिटी रहती है, बार बार अपडेट्स आते रहते हैं, सिक्योरिटी रहती है, प्राइवेसी रहती है। और विंडोज़ के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस या बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ विंडोज़ के लिए होते हैं, मैकबुक के लिए नहीं होते। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मैकबुक के लिए होते हैं, विंडोज़ के लिए नहीं होते। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको जाना है, कौन सा आपके लिए ज़्यादा
अच्छा है और यूजर फ्रेंडली जो क्वेश्चन आपने पूछा, हम लोग बचपन से जो है हमको स्कूल में भी विंडोज पीसी पे ही बिठाया गया कंप्यूटर सिखाने के लिए, तो हमारे लिए वो जो ओएस है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो यूजर फ्रेंडली हो गया क्योंकि हम उसको यूज टू हो गए। अगर आप मैकबुक थोड़ा टाइम यूज करेंगे तो वो भी आपको यूजर फ्रेंडली ही लगेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्नाइपर डॉन का, ये बोलते हैं 4GB वाला आईफोन 10S मैक्स में इतना अच्छा रैम मैनेजमेंट है, अगर एप्पल ने 8GB रैम वाले आईफोन लॉन्च किया तो बाकी के एंड्रॉइड फोन्स का क्या होगा, अभी एंड्रॉइड फोन जो है वो 12GB रैम वाले आते हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, आईफोन जो है 3GB रैम 4GB रैम इनफैक्ट 2GB रैम 1GB रैम वाला भी आज भी जो आईफोन है जैसे आईफोन 6 वगैरह उसका रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, 2GB रैम वाले का भी जो है आउटस्टैंडिंग रैम मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा होता है जैसे आईफोन SE वगैरह में है। और एप्पल को जो है 8GB रैम वाले आईफोन निकालेगी, अभी फिलहाल तो iOS 13 के साथ भी कोई ज़रूरत नहीं है, शायद 14, 15 में भी नहीं आएगी क्योंकि इतना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कि इतने ज़्यादा रैम की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड्रॉइड के अंदर जो है 8GB और 12GB रैम का जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि वहाँ पे रैम मैनेजमेंट जो है iOS जितना अच्छा नहीं होता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फैज़ खान का, ये बोलते हैं दुबई में जो फोन्स मिलते हैं उनके प्राइस में इतना फर्क क्यों होता है, मॉल में प्राइस बहुत ज़्यादा होता है जबकि मार्केट में प्राइस कम होता है। सीधी सिंपल सी बात है, मॉल के अंदर जो शॉप होता है उसका रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, मॉल में जो शॉप लोग बनाते हैं उसका फर्नीचर जो डिज़ाइन करते हैं उसका भी खर्चा उनको ज़्यादा लगता है, एम्प्लॉयज़ भी उनके जो होते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह में होते हैं। उसी कंपैरिजन में अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में मोस्टली जो है इंडिविजुअल अपने फैमिली के साथ या छोटे मोटे लेबर्स के साथ जो है अपना शॉप को चलाता है, वहाँ पे उसका रेंट भी कम होता है, उसके ओवरहेड्स भी कम होते हैं, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है प्राइसिंग में फ़र्क होने का। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो सिद्धार्थ साहू का है, ये एक एंड्रॉइड यूज़र है लेकिन आईफोन्स को बहुत पसंद करते हैं और हमारे जो वीडियोस है उसको बहुत पसंद करते हैं, उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, करना चाहते हैं स्विच लेकिन जो है बहुत सारी मुश्किल आती है। इनका क्वेश्चन आप ठीक से सुनिए, आप में से जो भी एंड्रॉइड यूज़र होंगे उनको जो है ये क्वेश्चन से ज़रूर हेल्प होगी। तो ये पूछते हैं कि 64GB जो स्टोरेज है इनके लिए इनफ होता है लेकिन गूगल ड्राइव जो है इनको फ्री स्पेस देता है 15GB का, तो एप्पल क्या ऐसा देता है? देखिए एप्पल जो है अपने आईक्लाउड ड्राइव में आपको 5GB का फ्री स्पेस देता है और साथ ही साथ गूगल ड्राइव का भी इस्तेमाल अपने आईफोन के अंदर आप कर सकते हो, तो 5GB आपको आईक्लाउड में मिल गया, 15GB आपको गूगल ड्राइव में मिल गया। इसके आगे ये लिखते हैं कि कन्फ्यूज्ड है कि ऐप्स जो है iOS के उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन इनको, गूगल मैप्स के बारे में बोलते हैं क्या बोलना है आपका, गूगल मैप्स जो है एप्पल मैप्स से बहुत ज़्यादा बेटर है इंडिया के अंदर स्पेशली और वही चीज़ जो है उनको रोक रही है, तो आपको शायद ये गलतफहमी है कि गूगल मैप्स एप्पल के ऊपर नहीं चलता। एप्पल मैप्स जो अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है, हम लोग भी गूगल मैप्स जो है वही आईफोन के अंदर अभी तक यूज करते हैं और एक्चुअली गूगल मैप्स बहुत ज्यादा इंडिया के लिए जो है सूटेबल है क्योंकि काफी टाइम से चल रहा है और इंडिया के बारे में उनको इनडेप्थ नॉलेज है, तो बिल्कुल आप गूगल मैप्स जो है फ्री में iOS के अंदर चला सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा कि जो भी ऐप्स के बारे में आपको कंफ्यूजन है एप्पल की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ऐप स्टोर पर जाइए, वहां पर आप चेकआउट कर लीजिए कौन से ऐप्स आपके लिए जरूरी है, कौन से ऐप्स फ्री है, कौन से ऐप्स पेड है, उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रॉबर्ट का, ये बोलते हैं 3D टच डिस्प्ले और नॉन 3D टच डिस्प्ले में क्या फर्क है, बोलते हैं उसके बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं और जानते हैं कि सॉफ्टवेयर ट्विक है, ये सॉफ्टवेयर ट्विक बिल्कुल भी नहीं है। 3D टच वाला जो डिस्प्ले हमको iPhone 10 में देखने को मिलता है और यहाँ पे जो है ये नॉन 3D टच वाला डिस्प्ले है iPhone 10R के अंदर, दोनों में फर्क ये है कि 3D टच वाला डिस्प्ले है उसमें जो 3D टच है वो हार्डवेयर बेस्ड है, यानी कि प्रेशर सेंसिटिविटी से जितना प्रेशर लगाते हो उसके मुताबिक जो है आपका डिस्प्ले आपको रिस्पॉन्ड करता है, उसी की जगह जिस डिस्प्ले के अंदर 3D टच नहीं होता, अभी iPhone 10R वगैरह के अंदर हैप्टिक टच दिया यानी कि वो हैप्टिक फीडबैक देता है, ऐसा आपको फील कराता है कि 3D टच है लेकिन एक्चुअल में वो 3D टच नहीं है, उसमें आपको बस लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ता है और 3D टच का जो रिस्पॉन्स है वो नॉन 3D टच वाले डिस्प्ले ज्यादा अच्छा होता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं छोटे छोटे, अगर आप वो रेगुलर डेज में यूज करेंगे तो आपको 3D टच वाला डिस्प्ले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द रेडरेक्स का, ये बोलते हैं वावे जो है उनका आप जानते ही है कि एंड्रॉइड बैन वगैरह हो गया, तो बोल रहे दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर ओन ओएस, खुद का ओएस वो बनाना चाहते हैं और उनका ऐसा क्लेम है कि वो 60% जो एंड्रॉइड वगैरह के मुकाबले फास्ट होगा, ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होगा, तो बोल रहे क्या वो iOS के इतना स्मूथ हो सकता है कि नहीं। देखिए आगे जाके हो सकता है, ज़रूर iOS के इतना स्मूथ भी Huawei कर सकता है उसको क्योंकि हार्डवेयर भी उनका है सॉफ्टवेयर भी उनका है, तो उस हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इस करंट स्टेज के अंदर वो iOS की तरह स्मूथ और स्टेबल नहीं हो सकता और लोगों उसको एक्सेप्ट करने को भी टाइम लगेगा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूं, अभी जो Huawei का हार्डवेयर है That is optimized for Android. Android के लिए उन्होंने ये सब हार्डवेयर बनाया था, अभी वो अपना जो OS बनाएंगे उसको ये हार्डवेयर के साथ उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उसके लिए उसको टाइम जाएगा और अभी जो उनका OS होगा वो काफ़ी नया होगा, उसमें जो ऐप डेवलपमेंट है बहुत सारी चीज़ होंगी, बहुत सारे बग्स होते हैं, अभी iOS का भी जो नया नया अपडेट आता है उसमें बग्स होते हैं तो अलग अलग अपडेट देके वो लोग उसको ठीक करते रहते हैं। ऐसे Huawei भी जो अपना OS बनाएगा, मेरे तरफ से तो Huawei को ऑल द बेस्ट है लेकिन उसको जो है iOS जितना या Android जितना भी स्मूथ होने को टाइम लगेगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सोहेल सोलकर की तरफ से, ये बोलते हैं कि गेमिंग के लिए कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, एंड्रॉयड का फ्लैगशिप फ़ोन या आईफोन जो लेटेस्ट वाला आईफोन है? तो मेरा आपको सीधा सीधा आंसर यही है कि
आपको अगर गेमिंग चाहिए एकदम ज़बरदस्त पावरफुल लैग फ्री और काफ़ी ईयर्स तक, क्योंकि आप इतना पैसा डाल रहे हो फ्लैगशिप आईफोन पे या फ्लैगशिप एंड्रॉयड फ़ोन पे, तो आपको गेमिंग के लिए आईफोन के साथ ही जाना चाहिए। और आज के टाइम में वैल्यू फॉर मनी और गेमिंग के लिए बीस्ट आईफोन मैं बोलूँगा आईफोन XR को, जिसके अंदर 3D टच वाला ऑप्शन नहीं है, जो कि आपको एंड्रॉयड में भी नहीं मिलने वाला। बस की बैटरी लाइफ जो है वो कमाल की आपको मिलेगी। और इसके बाद जो मैं कमेंट आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये भी एक यूट्यूबर है, मैक्स टर्न इनका नाम है, ये गेमिंग यूट्यूबर है और ये बोलते हैं कि आई ट्रस्ट ओनली आईफोन, आई हैव यूज टॉप एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स ऑफ एंड्रॉयड, इन्होंने एंड्रॉयड के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स भी इस्तेमाल किए हैं और वो बोल रहे हैं कि दे आर नॉट एज गुड एज एन आईफोन, आईफोन के जितने अच्छे नहीं है और एंड्रॉयड स्टार्ट्स लैगिंग आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए और इनिशियली भी आपको एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए हाई एंड गेमिंग के लिए, तो आपको एक आईफोन के साथ ही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चिराग कंसारा का, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों ने पूछा है और इस क्वेश्चन पे मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने का सोच रहा हूँ, कुछ दिनों में आपको शायद वो वीडियो में दे पाऊंगा। इनका क्वेश्चन है आईफोन टेन और आईफोन XR से रिलेटेड, इनके पास ऑलरेडी एक आईफोन टेन है और ये पूछ रहे हैं क्या मैं आईफोन XR पे जो है अपने आईफोन टेन से स्विच करूं, क्योंकि उनका जो मेन जो पर्पस है जो फ़ोन से उनको चाहिए वो है बैटरी लाइफ और वीडियो एडिटिंग ऐप्स। तो वीडियो एडिटिंग ऐप्स तो दोनों ही फ़ोन में आपको सेम मिल जाएंगे और परफॉर्मेंस भी आपको सिमिलर मिलेगा। डेफिनेटली आईफोन XR का जो रेंडरिंग टाइम है, वीडियो का रेंडरिंग टाइम, जो आउटपुट आप निकालते हो वीडियो का एक्सपोर्ट करते हो, वो आईफोन टेन के मुकाबले मार्जिनली कम होगा और जितना लंबा वीडियो होगा उतना ज़्यादा डिफरेंस दोनों के बीच में बढ़ेगा। लेकिन इतना भी नहीं है कि आपका ऑलरेडी एक महंगा आईफोन टेन जो बेच के आप XR पे शिफ्ट करो, क्योंकि एक नए जनरेशन का चिपसेट है डेफिनेटली, बट इतना आपको डिफरेंस जो है एकदम ड्रास्टिक महसूस नहीं होगा। और जो आपने बैटरी लाइफ की बात करी तो डेफिनेटली आईफोन XR की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है आईफोन टेन के मुकाबले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक चार्जिंग केस जो है आपका प्रॉब्लम आईफोन टेन की बैटरी लाइफ का वो सॉल्व कर सकता है, उसके लिए आपको अननेसेसरी नुकसान उठा के अपना आईफोन टेन बेच के आईफोन XR के लिए नहीं जाना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अरशद अली का, अरशद अली बोलते हैं कि एप्पल वॉच जो है हम एंड्रॉयड के साथ क्यों नहीं यूज़ कर सकते। आप एंड्रॉयड के साथ ही नहीं, इनफैक्ट एप्पल वॉच जो है आप अलग से भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको जो है एप्पल वॉच को सेटअप भी करना है तो एक आईफोन की ज़रूरत है, आप आईफोन के साथ ही उसको यूज़ कर सकते हो, वो आपके आईफोन का एक एक्सटेंशन है जो आपके हाथ पे रहता है, आईफोन जो है पूरी तरह से आपके हाथ पे आ जाता है, ऐसे ही समझ लीजिए। तो एप्पल वॉच जो है एप्पल ने ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ एक आईफोन के साथ ही वर्क करता है। दोस्तों हमारे क्यू एन ए का जो लास्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये पूछा है निखिल ने, ये बोलते हैं कि कभी भी एंड्रॉयड फ़ोन का जो लॉन्च इवेंट होता है, चाहे वो एंड्रॉयड के फ्लैगशिप फ़ोन्स हो या फिर कोई भी जो एंड्रॉयड के मिड रेंज वाले फ़ोन्स हो, उसमें हमेशा जो कंपैरिजन होता है वो आईफोन के साथ क्यों होता है, डिस्प्ले कैमरा नॉच हर चीज़ का जो कंपैरिजन है वो आईफोन के साथ किया जाता है, लेकिन जब भी आईफोन का जो लॉन्च इवेंट होता है, जो सितंबर का एनुअल इवेंट होता है, उसके अंदर एप्पल जो है कभी भी एंड्रॉयड के बारे में बात नहीं करता और उनसे कंपेयर नहीं करता, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि एप्पल ने एक बेंचमार्क सेट किया इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी जो नया जो चीज़ आती है, जो डिज़ाइन आता है एप्पल के अंदर या कोई नया फीचर आता है, वो हमने देखा है कि एंड्रॉयड के पहले फ्लैगशिप फ़ोन्स कॉपी करते हैं, उसके बाद धीरे 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 दूसरे फ़ोन जो है वो भी कॉपी करते हैं। तो एप्पल कभी भी जाके जो है उनका जो डिज़ाइन होता है, जो डिज़ाइन फिलॉसफी होता है, जो एंड्रॉयड में आपको देखने को मिलती है, वो बहुत बार जो है अपने फ़ोन्स के अंदर फ़ौरन जो है लेके नहीं आता। अगर इसको इम्प्लीमेंट करना भी है तो बहुत अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। और कभी भी आप देखिए कोई महंगी जब कार होती है, कोई फ्लैगशिप कार होती है, कोई लग्जरियस कार होती है, उसका जब लॉन्च इवेंट होता है तो कभी भी उसको छोटी कार से कंपेयर नहीं किया जाता। उसमें जो फीचर्स होते हैं वो छोटे कार मैन्युफैक्चरर यानी कि मैं वॉल्यूम के या सेल्स के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, ब्रांड वैल्यू के मामले में बोल रहा हूँ। मर्सिडीज़ वाला जो है मारुति के बारे में फीचर्स से मर्सिडीज़ को कंपेयर नहीं करेगा, वैसे ही मारुति का जब इवेंट होगा तो वो लोग फीचर बताएंगे कि हाँ महंगे एक्सपेंसिव कार्स में जो है ये फीचर्स आते हैं। इसी तरह से एप्पल भी जो है अपने फ़ोन को कभी भी एंड्रॉयड से कंपेयर नहीं करता और एंड्रॉयड वाले हमेशा जो है आईफोन से अपने फ़ोन को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे क्यू एन ए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का संडे क्यू एन ए बहुत बहुत पसंद आया होगा और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों के जवाब दे दिया हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन है दोस्तों नीचे हैशटैग #AskNabeel का इस्तेमाल करके आप नीचे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।